हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंट्री ट्रेवल्स। चलिए, मैं जैसे अभी मैं भागलपुर का मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो भागलपुर का ब्लॉग है। तो मैं एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ, पहले भी मैं उसे मिला था, तो उनका यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में भी आया हूँ, भागलपुर यूनिवर्सिटी। गांधीन थॉट है, मतलब गांधी विचारधारा, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ आगे। सो और उसका जो डिपार्टमेंट है, मैं उससे भी मिलूँगा अभी। एज आई सेड, आई एम रीच द यूनिवर्सिटी, आई मीन माय बिहाइंड यू कैन सी द गांधी स्टैचू, बापू जी का स्टैचू है ये। आई जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस प्लेस, इज द गांधीन थॉट, गांधी विचारधारा। I mean you can say the institute is here, and the, my right side is the commerce department. So I'm going to introduce somebody, those are working here, unse aapse milwata hu, and they will explain about the Gandhian thought and something. To chaliye main unse milata hu. Sir HOD hai yahan ke Gandhian thought ke, to wo aapko Gandhian thought ke bare mein batayenge aur kya kya yahan hota hai, matlab kis tarah se padhai hoti hai aur kya hota hai. Sir namaskar. सर बताइए आप इधर के बारे में, गांधी थॉट जो इंस्टीट्यूट ये मतलब संस्था है, तो इसके मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार हूँ, और अभी गांधी विचार विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ, HOD हूँ। ये गांधी विचार विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय में PG के लेवल की डिग्री देता है। 2 ईयर्स कोर्स है, 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है, और यहाँ MA की पढ़ाई होती है, जिसमें बच्चे नामांकित होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। ख़ास बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं वो ड्रेस कोड को, खादी को मेंटेन करते हैं। दूसरी है कि वो श्रम को प्रतिष्ठा देते हैं, और सप्ताह में एक दिन श्रमदान भी होता है। 2 साल जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, PG की डिग्री लेते हैं गांधी विचार विभाग में, वो 10 दिन के लिए गांव जाते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर साथ रहते हैं, और एक लघु शोध प्रबंध तैयार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसर्टेशन। तो उसके आधार पर 100 अंक उनको दिया जाता है। इस तरह से एक विभाग का कैरिकुलम बटा हुआ है। बाकी 4 सेमेस्टर में जैसे दूसरे अन्य PG डिपार्टमेंट चलते हैं, वैसे यहाँ भी चलता है। 16 पेपर यहाँ भी चलते हैं, 16 पेपर दूसरे विभाग में भी चलते हैं। ये विभाग हुआ। एडमिशन प्रोसेस का सेम ही है? एडमिशन प्रोसेस सेम है, हमारे यहाँ किसी भी विषय के ग्रेजुएट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स से हों, साइंस से हों, कॉमर्स से हों, टेक्निकल हों, एवरी ग्रेजुएट इज परमिटेड टू। जी, इस विभाग की कल्पना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने किया, उस समय किया जब रामधारी सिंह दिनकर यहाँ वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे थे, भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, और उसको ज़मीन पर उतारने का काम प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह ने किया, जिनको अभी भारत सरकार ने पिछले साल पद्मश्री दिया है। तो प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान माने जाते हैं एशिया के स्तर पर, और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने इस विषय को 1982 में प्रारंभ किया। समझदारी ये थी कि एकेडमिक लेवल पर गांधी को दुनिया के सामने कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, और ये गांधी विचार विभाग जो 1982 में प्रारंभ हुआ भागलपुर में, ये दुनिया का उस समय के हिसाब से पहला विभाग था। एकेडमिक लेवल पर यहाँ पढ़ाई शुरू हुई, इसकी शुरुआत हुई। अभी देश में 7-8 विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही है MA की गांधी विचार में, जैसे वर्धा में हो रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, मोतिहारी में सेंट्रल विश्वविद्यालय में, बिहार में भी हो रहा है, इसी तरह से चंडीगढ़ में पढ़ाई हो रही है, नागपुर में पढ़ाई हो रही है, मदुरई में पढ़ाई हो रही है। सेंटर के स्तर पर UGC ने देश में लगभग 100 विश्वविद्यालय को इन्वॉल्व किया है, जहाँ सेंटर वो खोलते हैं गांधी का। तो अकादमिक स्तर पर दुनिया के सामने
जो चुनौतियां हैं उसके बरक्स भी और जो गांधी की विरासत है उसको लेकर भी कैसे प्रेजेंट किया जा सके, यही इस विभाग का एक उद्देश्य है जी। सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारे आई मीन डिटेल में बताए। मैं परिचय कराता हूँ, हमारे साथ उमेश प्रसाद नीरज जी हैं, आप यहाँ सहायक प्राध्यापक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप अमित कुमार सिंह जी हैं, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य भी हैं और आप सब लोग यहाँ शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। गांधी विचार विभाग है ये, जहाँ पीजी स्तर की पढ़ाई होती है और सर के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली, विश्व का यह पहला विभाग है जहाँ पीजी स्तर पर गांधी विचार एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। सूचना मैं ये भी दे दूँ कि भागलपुर विश्वविद्यालय और मधेपुरा जो आपका विश्वविद्यालय है भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, वहाँ भी अब स्नातक स्तर पर भी गांधी विचार विषय की पढ़ाई होती है। यद्यपि वह कंस्टिट्यूट कॉलेज में नहीं अभी पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन वहाँ बजाबते सिलेबस अप्रूव्ड है, यहाँ भी विश्वविद्यालय के द्वारा सिलेबस अप्रूव्ड है और उसकी पढ़ाई जो एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ स्नातक स्तर पर इसकी पढ़ाई हो रही है और यहाँ भी प्रयास किया जा रहा है कि अन्य कॉलेजों में भी। सीनेट सिंडिकेट ने इसका निर्णय भी लिया था कि यहाँ लगभग जितने भी पीजी डिग्री कॉलेज हैं सभी में गांधी विचार स्नातक स्तर पर पढ़ाई की जाए और उसके निर्णय के आलोक में प्रयास भी किया जा रहा है। और इसके और अभी जस्ट भागलपुर विश्वविद्यालय दो भाग में बटा है, मुंगेर विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है इस विश्वविद्यालय के द्वारा ही, तो ये चूँकि दो विश्वविद्यालय बन गया है भागलपुर विश्वविद्यालय, तो मुंगेर विश्वविद्यालय को भी बजाबते एक अधिकार है कि गांधी विचार विभाग भी वहाँ खुले, क्योंकि जितने पीजी विभाग यहाँ हैं उतने पीजी विभाग वहाँ होने चाहिए बंटवारे के हिसाब से, तो मुंगेर विश्वविद्यालय में भी जल्दी पढ़ाई हो गांधी विचार विषय की पीजी स्तर पर। मीडिया कर्मी भी इसको उठाएँ, हम लोग भी इसमें संपर्क में हैं, विश्वविद्यालय के संपर्क में उनको कह रहे हैं कि आपको तो हक है और वहाँ पीजी में गांधी विचार की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। और एक सवाल और भी है जो लोगों के बीच भी है कि बुनियादी विद्यालय जो गांधी विचार के आलोक में और गांधी जी ने खुद यहाँ से शुरू किया था उन्होंने मोतिहारी से, और पूरे बिहार में 391 बुनियादी विद्यालय हैं और जहाँ गांधी विचार के अनुरूप कुरकुलम बना था और पढ़ाई की जाती थी, लेकिन कालांतर में झारखंड सहित सरकार ने उसको जो है वहाँ कॉमन जो स्कूलिंग सिस्टम है खास करके जो विषय सामान्य विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं उसी के शिक्षक उसमें धीरे धीरे देते चले गए। पुराने जो टीचर थे और उनका प्रमोशन होता था, वे बीओ तक बनते थे, डीओ बनते थे, डीपीओ भी बनते थे उस विद्यालय के टीचर, तो उसको समाप्त कर दिया गया और इसके रिवाइव के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। 391 जो विद्यालय है यहाँ उसमें गांधी विचार विषय से पढ़े हुए लोग शिक्षक बने ताकि गांधी की जो कल्पना थी बुनियादी विद्यालय को लेकर उसको धरातल पर उतारा जा सके। तो इस संबंध में सरकार से बातें भी लगातार की जाती रही है हम लोगों की और कई एक स्तर पर बातचीत के बाद सरकार ने निर्णय भी लिया था, लेकिन बीच के क्रम में कुछ बाधाएं आई है और सरकार उसको उस तरह से नहीं देख पा रही है जिस तरह से हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने भी हम जो कुछ गांधी थॉट के बारे में एंड इसके जो मतलब जो डिफ़िकल्टी समस्या और इसे आगे किस तरह से लेके जाना है तो उनके बारे में भी बताएं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट में पीजी स्तर पर पढ़ाई की बात करेंगे। मैं डॉक्टर अमित रंजन सिंह मेरा नाम है, मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और आज जो जरूरी जो वैचारिक स्तर पर जो संघर्ष चल रहा है, चाहे समाज में हिंसा का दौर हो या समाज में जो अभी पर्यावरण का जो एक दौर चल रहा है, जो इस दौर में गांधी को पढ़ना और गांधी को जानना और अत्यंत आवश्यक हो गया है और इसी रास्ते से शाश्वत विकास हम लोग जो आज देख रहे हैं तभी संभव हो सकता है। बाकी इनके जितने भी एजुकेशन से लेकर के जो भी इनके विचार रहा है वो आज उसे ज़्यादा प्रासंगिक महसूस हो रहा है और इन्हीं के रास्ते पे चल करके इन्हीं के एकेडमिक स्तर से पढ़ाई करने के बाद वो समाज समाधान भी प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा वैचारिक पक्ष साफ कर देते हैं। देखिए
आज जो पूरी दुनिया में चुनौती है उसमें से दुनिया भर की सरकारें भी जिसको मान रही हैं, तो आज हम कोरोना जैसे महामारी से रूबरू हो रहे हैं, आज हम जनसंख्या वृद्धि से परेशान हो रहे हैं, आज हम ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हो रहे हैं, आज हम आतंकवाद से परेशान हो रहे हैं, आज हम बेरोजगारी से परेशान हो रहे हैं, आज किसानों की हालत लगातार ख़राब होती चली जा रही है, इन सारे सवालों पर जिसको आप करेंट इवेंट्स कहते हैं, पारिवारिक कलह, जो पारिवारिक कलह का प्रश्न है, शांति का प्रश्न है, ऐसे सारे सवालों पर हमारे बच्चे और शिक्षक अकादमिक काम करते हैं और अपने माध्यमों से हम लोग दुनिया के सामने इसको रखते भी हैं कि विकल्प एक है। इसलिए गांधी जी को समझते समय, जानते समय और मानते समय इस बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि गांधी को हम किस रूप में देख रहे हैं। अगर आप गांधी को पूंजीवाद के रूप में देखेंगे, अगर आप गांधी को साम्यवाद के रूप में देखेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। गांधी तो पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो या बाजारवाद हो, इसका विकल्प प्रस्तुत करते हैं और जो आज तक आजमाया नहीं गया। हमारा निवेदन यही है दुनिया के लिए, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, कि गांधी का जो विचार आया उस विचार को एक बार विकल्प मानते हुए, अल्टरनेटिव मानते हुए आजमाने की ज़रूरत है। आजमा कर आप देखिए, आपने पूंजीवाद भी अपनाया, आपने साम्यवाद भी अपनाया, आपको शांति नहीं मिली, समृद्धि नहीं मिला, सुख नहीं मिला, तो गांधी के विचार को एक बार करके देखिए। तो मुझे लगता है, भरोसा है कि इस विचार में वो ताकत है कि दुनिया के सवालों का जवाब दे सकता है और गांधी का विचार एक वैकल्पिक विचार के रूप में प्रस्तुत हो, ये हमारा मानना है। सर ने करेंट अफेयर में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है, तो हम लोग गांधी विचारधारा से यदि आप जुड़ते हैं तो उनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये शांति का संदेश है, इसमें ना आपको नो वायलेंस कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो था उन सर ने बताया और बहुत अच्छे हम जानकारी दिए और फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट सो ही एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको विभाग दर्शन कराते हैं। HOD सर हैं, प्रोफेसर सर हैं, वो भी प्रोफेसर इधर ही पढ़ाते हैं, तो उनके साथ उन्होंने सारा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और सारा बताया, तो एक दो क्षण की मोमेंट में भी उनके साथ खड़े होने का मौका मिला है। ये गांधी जी का स्टैचू है, महात्मा गांधी बापू जी का, तो आपको फर्स्ट ये बोर्ड दिखा देता हूँ। ये स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग, मतलब गांधी एंड थॉट, आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ इधर, और ये इस्टेब्लिश हुआ है 1980 में जैसा सर ने बताया, और इधर भी लिखा हुआ है। तो सो गांधी जी के जो विचार थे, ये चरखा है, ये बापू जी का ये बंदर, जो थॉट है उनका, बुरा ने देखो बुरा ने बोलो बुरा ने सुनो, जो उनका ये थॉट है। चलिए डिपार्टमेंट के अंदर आपको मैं ले जाता हूँ। ये जनजीवन हरियाली, ये गांधी जी हैं, बापू जी हैं, ये जिनका जो मतलब विचारधारा, मतलब गांधी जी के बारे में सब ने अपना अपना, जैसे अल्टन इंस्टाइन है, उन्होंने जो कही है बातें, हाँ, तो वो इसमें ये लिखा हुआ है आपको अंकित ने कहा है, अर्नॉल्ड जोसेफ टाइनवी ने, जनरल डी मैकार्थर ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, डी एस सेनानायक ने, हाँ ओके। सो दिस वन, ये जो आपको अछूत, मतलब जो अछूत, मतलब पहले आपको एंशिएंट टाइम, नॉट एंशिएंट टाइम, बिफोर द फ्रीडम, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था, तो अनटचेबल कास्ट को मंदिर में अलाउ नहीं होता था, तो उसके विरोध में उसने ये टेम्पल एंट्री का ये है, और ये उसका मतलब मूवमेंट जो संग्राम जो चला था, तो उनका ये मतलब ये दर्शाया गया, मतलब ये चित्र ये बना के मतलब प्रेजेंट किया गया है। ये गांधी जी का ये अचूकता भी, जो उनका जो थॉट था, जो उसने प्रचार किया था, अब प्रार्थना भी है, प्रे भी हम कह सकते हैं। दिस द ऑफिस, यदि जो भी आई मीन गांधी थॉट से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये ऑफिस विजिट कर सकते हैं, देन यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन। दिस द ऑफिस एंड देन HOD का ये रूम है। सो गांधी जी का जो थॉट है, जो विचारधारा है, उनको किस तरह से मतलब जीवन में अपनाया जाए, तो ये सिंपल मतलब जो हमारे प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, तो उसी तरह से ही सर बैठे हुए हैं,
और उनका जो गांधी जी का जो थॉट है, जो विचार है, उनको अभी भी वो मतलब अपने सादा जीवन में अपनाए हुए हैं और औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग भी सादा जीवन को ही अपनाएं। अब ये पता नहीं क्लियर आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो अब तक का जो भी डिपार्टमेंट के हेड हुए हैं उनका ईस्वी और ये सारा इसमें दिया हुआ है। और अभी तत्काल ये आप 2016 डॉक्टर परमानंद सिंह एंड डॉक्टर विजय कुमार सो ईस्वी के साथ उसमें जो दिया हुआ है। ये सूत से बना हुआ तस्वीर? अच्छा, ये धागा से द थ्रेडिंग जो नॉर्मल थ्रेड होता है कपड़े में जो यूज होता है उनसे ये बनाया हुआ है। ये टीचर्स रूम है? ये टीचर्स रूम है। ये टीचर्स जो अभी हैं मौजूद। अच्छा, जो भी मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे और जो टीचर रिनॉल्ड टीचर हैं जो मतलब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो सभी का वो फर्स्ट हम लोग टीचर डे नाम मैं भूल रहा हूँ उनके नाम से ही हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। हाँ, राधा कृष्णन। यस, राधा कृष्णन। सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दिनकर जी, कबीर दिनकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, अम्बेडकर भी है। ये द कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं जो संविधान निर्माता है, सरदार खान, अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई। छात्रों के द्वारा ये गांधी छात्रों के द्वारा मिट्टी से बनाया हुआ ये मूर्ति है, राधा कृष्ण का, गांधी जी, गांधी जी का। अच्छा, ये स्वराज का है जो ये प्रार्थना है जिसको शिक्षक और छात्र कर्मचारी सभी रोज करते हैं। ये प्रार्थना है जो एवरीडे आपको क्लास शुरू होने के पहले और ये सीटिंग मतलब सभी लोग अभी भी आपको हमारे जो गुरुकुल का जो सिस्टम है तो उसके अनुसार ये अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट इसी तरह से बना हुआ है। जैसे HOD सर ने बताया सत्याग्रह का, मुझे तो कम जानकारी है, तो उन्होंने बताया सत्याग्रह जो शुरू हुआ था फिर भारत की स्वतंत्रता के टाइम में तो उनका उस समय की मतलब परिकल्पना करके ये चित्रित किया गया है। ये शहीद स्मारक का है? अच्छा, ये शहीद स्मारक है सर, जैसा सर ने बताया जी। विद्यालय, ये बुनियादी विद्यालय का मतलब चित्रांकन किया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया है इसमें। लाइब्रेरी है और जो सीटिंग अरेंजमेंट है हमारे गुरुकुल के स्टाइल से ही है, मतलब गांधी जी का जो थॉट था, विचार था, उनके ही द्वारा मतलब उनको ही फॉलो किया जा रहा है जो जीवन में मतलब हम लोग सादा जीवन में साधारण जीवन में कैसे अपनाया जाए। तो ये दिखाया गया रामजी सिंह पीठ बना है। अच्छा, इसमें लाइट तो नहीं आ रहा है, तो रामजी सिंह जी ने जो मतलब पुस्तकें अराउंड 5000 बुक्स डोनेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू मैक्सिमम द थिंग्स। यू कैन कैच इट, या देख सकते हैं ये उनके द्वारा ही डॉक्टर रामजी सिंह द्वारा प्रस्तुत पुस्तकें वर्ष 2015 गांधी विचार विभाग।
विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवस्थापन प्रशासन विभाग। तो मैं अभी फ्रेंड से मिलने आया था, तो गांधी टॉट का मैंने कवर किया और फ्रेंड से भी मिले, तो उनका ये डिपार्टमेंट, उनका पीएचडी थेसिस भाईवा है, वो पीएचडी कर रहे हैं, तो उसका फाइनल स्टेज है, वो इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, तो मैं उनसे इधर ही मिल लिया। हेलो गाइस, आई सो यू एवरीथिंग। मैंने जो एचओडी सर हैं और जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने सारा आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने सारा आपको बताया विभाग के बारे में, गांधी थॉट के बारे में, ही एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड किस तरह से वर्क करता है। आई सो यू द क्लासरूम और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी अभी आपको पुराना, मतलब गुरुकुल जो हमारा जो कल्चर है इंडिया का, तो उसके कॉन्सेप्ट को अभी भी जिंदा रखा गया। उन्होंने सारा डिटेल दिया और सब चीज़ बताया, तो मैंने ट्राई किया आपको गांधी थॉट, जो गांधी का विचारधारा है, उसको अभी किस तरह से इंडिया में अभी लागू किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, और उसे किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, तो सर लोग ने ये संग सारा बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बंग बिग थम्स अप दें। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आपको कोई भी कॉमेंट है या कुछ भी है, मैं सारा डिटेल डाल दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डिटेल देख सकते हैं, और आपका कोई भी कॉमेंट है तो आप यू कैन शूट योर कॉमेंट ऑन द कॉमेंट बॉक्स, और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिनसे आपको इंस्टा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, और अभी मैं भागलपुर, मेरा होम टाउन जो सिटी है, मैं उसे कवर कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको सारा आ जाता है, एज लाइक मार्केट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मैं सारा कवर कर रहा हूँ और ये बहुत सारा पार्ट में आएगा। तो चलिए मंगा मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए विदा दें, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज।